हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आरडी शर्मा एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट करूं आप लोगों से, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना अगर आपको पसंद आया तो, ठीक है। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो कैसे दूसरे लोगों को मेरे वीडियो के बारे में पता चलेगा, राइट? और उनको भी मालूम होना चाहिए ना। आप भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पर। आरडी शर्मा एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 4, 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ब्रास इज टू बी ड्रॉन इनटू सिलैंडरिकल वायर 0.25 सेंटीमीटर इन डायमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। मतलब हमारे पास 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर का एक ब्रास है, ब्रास मतलब पीतल है, इस टू बी ड्रॉन इनटू सिलैंडरिकल वायर, एक सिलैंडरिकल वायर में उसे कन्वर्ट कर दिया गया है जिसका जिसका डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर है। आप बताइए कि वो जो वायर है उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो हम बहुत जल्दी काम करते हैं, लिखते हैं यहां पर, लेट द लेंथ ऑफ वायर बी एल, ठीक है। और डायमीटर आपको दे रखा है तो रेडियस पता लग जाएगा, रेडियस रेडियस ऑफ वायर इज इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डायमीटर को डिवाइड करके डायमीटर को 2 से डिवाइड करने पर आपको रेडियस पता लग जाता है। तो ये हमारा रेडियस हो गया। इसको मैं कोई सिंबल देता हूँ आर, ठीक है, आर इज इक्वल टू 0.25/2। अच्छा, अब ये जो ब्रास है यानी पीतल है वो किसी भी शेप का है, शेप नहीं दिया हुआ, मतलब वो स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, ठीक है, वो कोन के शेप में हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, लेकिन जो भी चीज है, जो भी शेप है उसका वो वॉल्यूम दे रखा है कि वॉल्यूम 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर है। पर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि उनका यूनिट सेम है, अगर नहीं है तो उसे बदल लो, क्योंकि जब तक सेम यूनिट में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आपका आंसर गलत आएगा। तो एक काम करते हैं हम, 0.25/2 ये तो हो गया सेंटीमीटर में। अब ये वॉल्यूम दे रखा है ब्रास का, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रास इज इक्वल टू 2.2 क्यूबिक डेसीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि डेसीमीटर का क्यूब मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। अब डेसीमीटर का क्यूब का मतलब ये हो गया, ध्यान से रहना, बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक बताऊंगा और बहुत सी ट्रिक्स बताऊंगा जो कैलकुलेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर देती है। तो डेसीमीटर का क्यूब मतलब डेसीमीटर को 3 टाइम्स अगर मैं लिख देता हूं ऐसे, तो डेसीमीटर इनटू डेसीमीटर हो जाता है, ठीक है। अब कल मैंने आपको बताया था कि जो 1 डेसीमीटर होता है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। कितना होता है? 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ये 1 डेसीमीटर, ये 1 डेसीमीटर, ये 1 डेसीमीटर, तो 10 और 10 का मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 1000। मतलब 2.2 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई अगर मैंने किया और रिजल्ट आया ये 22000, राइट, और ए डेसिमल के बाद आ जाएगा पॉइंट, यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब। तो ये ब्रास का वॉल्यूम हो गया, यानी जो पीतल दे रखा है उसका वॉल्यूम इतना हो गया। अब इस पीतल को रिकास्ट करके एक वायर बनाया गया है, मतलब वायर का वॉल्यूम और इस ब्रास का जो वॉल्यूम है वो दोनों सेम होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो वायर हो किस शेप का होगा, क्वेश्चन में दे रखा है सिलेंडरिकल शेप का होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ ब्रास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ वॉल्यूम ऑफ ब्रास रखता हूँ तो वह आएगा 2200 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर, क्योंकि सिलेंडर की शेप है तो पाई आर स्क्वायर एच लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हमारे पास है 0.25/2, तो यहाँ रखा मैंने 0.25/2 का ये स्क्वायर हो गया इंटू एच, एच मतलब उस वायर की लेंथ। अब वो लेंथ कितनी है, एल, हमने यहाँ एल रख दिया। अब 2200, ठीक है, अब यहाँ से एक जीरो कम कर लेते हैं, यानी 2200 इक्वल टू 22/7, पाई की वैल्यू पुट कर दी, 0.25 का स्क्वायर करके मिलेगा 0.0625,
और 2 का स्क्वायर हो गया 4 इनटू L। तो अगर मैंने इसको यहां से कट किया तो ये आ जाएगा मेरे पास 100, ठीक है। अब 7 इनटू 4 ये मल्टीप्लाई हुआ है, क्रॉस किया इसको यहां पर ऐसे, इक्वल टू में क्या रहा 0.0625 इंटू एल। एल इक्वल टू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये चीज इसके नीचे आएगी, 100 इंटू 7 इंटू 4 अपॉन 0.0625। तो अगर पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 जीरो आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ से ये खत्म हो गया, मैंने इसको डिवाइड करना शुरू किया, 25 into 25, 625, 25 4 का। अब मैं 25 का टेबल यहाँ से ही पढ़ के कट करता हूँ, 25 4 जा 100, देन उसके बाद दो जीरो और आ गए, ये आ जाएगा 7 4 जा 4 4 जा 16 16 into 4 60 400 into 7, मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आ गया 0 0 7 4 जा 28 7 4 जा 42 42 and 2 44 4 4 8 0 0 सेंटीमीटर। और अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो यह आ जाएगा 4 4 8 0 0 upon 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट हुआ, क्या बचा 448 मीटर। तो लेंथ ऑफ वायर कितना होगा 448 मीटर।